टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे आपने पढ़ा था कि इन फॉर टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट मस्ट बी पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी ये आपको दिखेगा विजिबल होगा, व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब आपको टीआईआर मिलता है। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन टीआईआर टेक्स प्लेस। ऐसे अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो क्या टीआईआर मिलेगा? यहां देखिए इसमें लाइट हम पास करते हैं तो यहां से लाइट क्या रिफ्लेक्ट होगी, वापस आ रही है? नहीं आ रही ना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो पाथ है उसमें चेंज आ रहा है। तो ये क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी लाइट कहां से पास कर रहे हैं? रेयर से डेंसर, बट अब हम पास करेंगे डेंसर टू रेयर। तो यहां देखिए इसमें ये लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में बैक हो रही है। और अगर एंगल चेंज करें तो यहां देखिए फिर रिफ्रैक्शन मिला, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल है, क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा करेंगे तो लाइट क्या हो रही है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, क्लियर है? विजिबल हो रहा है? यस सर।